अगर कोई व्यक्ति आपकी पहचान चुरा के आप ही की जगह ले ले तो क्या आप इस झूठ को सच मान लोगे? अरे अरे ऐसे घबराइए नहीं, पहले हमारी ये कहानी तो देख लीजिए, आपको आपका जवाब मिल ही जाएगा। और हाँ, ऐसे ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिनलैंड राज्य में एक छोटा सा गांव था जहाँ पर फ्लोरा नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु, उसे बत्तखों से बड़ा ही लगाव था। फ्लोरा के पिताजी फिनलैंड के बादशाह के करीबी दोस्त थे, इसीलिए बादशाह ने उनके बेटे की शादी फ्लोरा से तय की थी, पर फ्लोरा के पिता वो शादी देख ना पाए। पिताजी के जाने के बाद फ्लोरा की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई। मुझे लगता है कि तुम्हें आज ही बादशाह के बेटे से मिलने जाना चाहिए। जैसा आप ठीक समझे माँ। रास्ता बड़ा दूर का था, इसीलिए माँ ने फ्लोरा के साथ एक सेविका भी दे दी थी, जिसका नाम था क्लैरी। क्लैरी बड़ी ही धूर्त और कपटी थी। दोनों अपने अपने घोड़े पे सवार होकर सफर के लिए निकल पड़ी। थोड़ी दूर आने पर फ्लोरा को प्यास लगी। सुनो क्लैरी, थोड़ा पानी लाना तो। हाय, मेरा पैर। क्या हुआ क्लैरी, तुम रो क्यों रही हो? लगता है मेरे पाँव में मोच आई है। माफ कीजिए, मैं आपके लिए पानी नहीं ला पाऊंगी। अरे अरे क्लैरी, इसमें रोने वाली क्या बात है, मैं खुद नदी पर जाकर पानी ले आती हूँ, तुम यही आराम करना। फ्लोरा अपने घोड़े से उतरकर पानी पीने के लिए नदी के पास पहुँचती है। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुकती है, हाँ, क्लैरी उसे धक्का मारकर पानी में ढकेल देती है। क्लैरी, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बाहर निकालो, मुझे तैरना नहीं आता। हाँ, मैं जानती हूँ, अब फ्लोरा बनके मैं सरदार के पास जाऊंगी और उसके बेटे से शादी करूंगी। हाँ, कितना सुंदर है ये तो, अब इसे मैं पहनूंगी। क्लैरी ने फ्लोरा के कपड़े पहन लिए और उसका घोड़ा लेकर वो आगे बढ़ने लगी। दूसरी तरफ फ्लोरा नदी के तेज बहाव से बहती हुई फिनलैंड के उसी शहर में आ पहुंची जहाँ पे वो बादशाह रहता था। वहाँ के मछुआरों ने उसे नदी से बाहर निकाला, वो बेहोश थी। जैसे ही वो होश में आई, उसे कुछ भी याद ना आ रहा था, यहाँ तक कि वो अपना नाम भी भूल चुकी थी। तभी घोड़े पे सवार क्लैरी वहाँ पर आ पहुंची। फ्लोरा को वहाँ देखकर वो डर गई, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी याददाश्त खो गई है, उसे बड़ी खुशी हुई। अरे, ये तो मेरी नौकरानी क्लैरी है, मेरे कपड़े और जवाहरात लेके भाग रही थी, लेकिन तभी पाँव फिसलकर वो नदी में जा गिरी। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बेचारी फ्लोरा, उसे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। दोनों को सरदार के सामने पेश किया गया। सरदार ने क्लैरी को फ्लोरा समझकर उसका बड़ा सम्मान किया और बेचारी फ्लोरा को पूरे बाड़े की बत्तख संभालने की सजा फरमाई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फ्लोरा हमेशा बत्तखों को लेके नदी के पास घूमने जाया करती थी। उसके साथ जॉन नाम का एक छोटा लड़का भी रहता था। फ्लोरा बड़े ही प्यार से बत्तखों की देखभाल किया करती थी। जब भी वो बत्तखों को बाड़े से निकालकर नदी की तरफ सैर करने निकलती, वो गाना गाने लगती। झूमते चलेंगे हम, गाते चलेंगे हम, सच्चाई का पकड़ के हाथ, नाचते चलेंगे हम, नाचते चलेंगे हम। देखो आई टोली आई, सच्चाई की टोली आई, कर रहे झूठ का सफाया, सच्चाई की टोली आई, टोली आई। थोड़े ही दिनों में फ्लोरा ने शहर के सभी लोगों का दिल जीत लिया। फ्लोरा का ये खुशनुमा स्वभाव बादशाह के भी दृष्टि में आया। ये लड़की तो बड़ी ही सच्ची और भोली लगती है, कुछ तो गड़बड़ है। बादशाह ने दोनों की परीक्षा लेनी चाही। उसने जॉन को बुलाकर उसके हाथ में एक सोने का अंडा थमा दिया और उसे समझाया कि उसे क्या करना है। जॉन के वहाँ से जाने पर बादशाह ने क्लैरी को अपने पास बुलाया। बेटी फ्लोरा, आज अंडे खाने का बड़ा मन कर रहा है, क्या तुम बाड़े में जाके हमारे लिए अंडे ले आओगी? जी मैं क्या हम क्लैरी को ये काम नहीं कह सकते, या फिर जॉन को? क्लैरी और जॉन दोनों ही बत्तखों को सैर कराने नदी के किनारे गए हैं, क्या तुम्हें जाने में कोई एतराज है? जी नहीं तो मैं अभी जाकर बाड़े में से अंडे ले आती हूँ। क्लैरी अंडे लेने जब
बाड़े पर पहुंची, उसे वहां पर एक सोने का अंडा दिखाई दिया। हाँ, सोने का अंडा, क्यों ना मैं इसे अपने पास रख लूं? छोटा जॉन उस पर नजर रखे हुए था। जॉन ये बात बादशाह को बताता है। बादशाह उसे एक और सोने का अंडा देता है, लेकिन इस बार वो फ्लोरा को अंडे लाने कहता है। फ्लोरा को भी बाड़े में सोने का अंडा मिलता है, लेकिन फ्लोरा वो अंडा बादशाह के पास ले आती है। बादशाह फ्लोरा की ईमानदारी पर बहुत खुश होता है। तुम वाकई में नेक दिल और सच्ची लगती हो, ये अंडा तुम अपने पास ही रखो। अब बादशाह फिर एक बार जॉन को बुलाता है और उसे फ्लोरा का घोड़ा सौंपकर कुछ काम बताता है। दूसरे दिन बादशाह दोनों लड़कियों को अपने दरबार में बुलाता है। बेटी फ्लोरा, आज तुम्हारी हमारे बेटे के साथ शादी होने वाली है। हमें तुम्हारे पिताजी की आज बड़ी याद आ रही है। वो एक अच्छे व्यापारी तो थे ही, मगर साथ ही में वो एक अच्छे गायक भी थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी आवाज में भी जादू है, क्या तुम हमें कुछ गा के सुनाओगी? मैं? क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें गाना नहीं आता? तुम्हारी ये नौकरानी तो बड़ा ही अच्छा गा लेती है। क्या सच में ये तुम्हारी नौकरानी है या फिर तुम हो इसकी नौकरानी? जी आप ये क्या कह रहे हो, मैं ही फ्लोरा हूँ। खामोश सफेद झूठ, क्या तुम्हें बाड़े में सोने का अंडा नहीं मिला था? सोने का अंडा? तभी जॉन वहाँ पे फ्लोरा की माँ को ले आता है। फ्लोरा की माँ को देख क्लैरी के होश उड़ जाते हैं। क्यों, आ गया ना चक्कर? क्लैरी, ये हमेशा याद रखना कि झूठ की जिंदगी सिर्फ 4 दिन की ही होती है। झूठ चाहे कितना भी चिल्लाए, वो सच्चाई को कभी नहीं मिटा सकता। गिरफ्तार कर लो इस झूठी लड़की को और तहखाने में बंद कर दो। क्लैरी गिड़गिड़ाने लगती है, मगर सैनिक उसकी एक नहीं सुनते। बादशाह फ्लोरा की माफी मांगता है और उसका हाथ अपने बेटे के हाथों में सौंपता है। बेटी, क्या तुम हमें फिर से वही गाना सुनाओगी जो तुम उन बत्तकों के साथ गाया करती थी? देखो आई टोली आई, सच्चाई की टोली आई, करने झूठ का सफाया, सच्चाई की टोली आई, टोली आई। देखा आपने, क्लैरी को सजा तो मिलनी ही थी क्योंकि उसकी कहानी झूठी थी। फ्लोरा नेक दिल और सच्ची थी, इसीलिए अंत में जीत उसी की हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ चाहे कितने भी रंग बदले, वो सच्चाई की जगह कभी नहीं ले सकता। जादुई चेहरा। दूर दराज के एक राज्य में एक मंत्री अपनी 2 जुड़वा बेटियों के साथ रहता था। जुड़वा होने के बावजूद दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक का नाम था काव्या और दूसरी का किमया। कितना खूबसूरत है आज का दिन और उतना ही खूबसूरत ये नजारा। मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। हाँ मेरी प्यारी बहना, तुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। काव्या बचपन से बहुत ही शांत, सरल और समझदार थी। वही किमया को अपने रंग रूप पर बहुत घमंड था। वो स्वार्थी और जिद्दी थी। दोनों के 19वें जन्मदिन पर मंत्री ने बहुत बड़ी दावत रखी। सभी राज्य के राजा और उनके परिवार को बुलावा भेजो। इस भव्य दावत में सभी लोग सज धज कर आए थे। काव्या की नजर एक आकर्षक राजकुमार पर पड़ी। किमिया भी उसी राजकुमार को देख रही थी। वो देखो, वो राजकुमार कितने आकर्षक है। हाँ, आकर्षक तो है। राजकुमार तो मुझे ही पसंद करेंगे। क्यों, मुझ में क्या कमी है? तुम अच्छी तरह से जानती हो। दावत में राजकुमार के परिवार वाले किमिया के लिए शादी का प्रस्ताव रखते हैं। ये बात जानकर काव्या मायूस हो जाती है और जंगल की तरफ चल पड़ती है। जंगल की तरफ जाते वक्त उसे एक बुजुर्ग जादूगर रोक लेते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन विचलित है, तुम जंगल में जा सकती हो, पर याद रखना अपने कर्तव्यों का पालन करना। कोई भी काम करो, आशावादी आचरण के साथ पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो और कभी भी हार मत मानना। काव्या, तुम बहुत समझदार हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है।
जंगल में थोड़ी दूर जाते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। हाँ? ध्यान से देखने पर उसे हिलती हुई घास दिखाई देती है जहाँ से आवाज आ रही थी। काव्या घास के पास आकर देखती है। अरे ये क्या, हिरन तुम इस शिकंजे में कैसे फंस गए? रुको, मैं तुम्हें शिकंजे से बाहर निकालती हूँ। वाह, कितने खूबसूरत हो तुम, बिल्कुल सोने जैसे चमक रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तुम बोल सकते हो? हाँ, तुम्हारा दयालु आचरण देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम आगे बढ़ती जाओ। वो आगे जाती है। उस डरावने जंगल में आगे बढ़ते हुए काव्या को अब थोड़ा सा डर लगने लगता है। अरे बाप रे, कितना घना जंगल है। आगे जाकर काव्या को एक हंस जाल में फंसा हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या, तुम इस जाल में कैसे फंस गए? हंस बहुत छटपटा रहा था। शांत रहो, मैं तुम्हें इस जाल से छुड़ाती हूँ। काव्या उस जाल से हंस को बाहर निकालती है। जैसे ही हंस जाल से बाहर आ जाता है, वो अपने खूबसूरत पंख फैलाता है। अब तुम आजाद हो। शुक्रिया, तुमने मुझे जाल से आजाद करवाकर नया जीवन दिया है। हाँ, तुम भी बोल सकते हो? हाँ, तुम बहुत दरिया दिल और निस्वार्थ लड़की हो। अब तुम आगे बढ़ती जाओ। आगे जाकर काव्या को एक बेजान और सूखा हुआ पेड़ दिखाई देता है। अरे ये पेड़ तो सूख गया है, लगता है इसे पानी की जरूरत है। वो पास की नदी के किनारे जाती है। वहाँ एक घड़ा रखा हुआ था। वो उस घड़े में पानी भरकर सूखे पेड़ पर डालती है। पानी डालते ही पेड़ में जान आ जाती है। हाँ? अरे ये क्या? हाँ? अरे अरे रे, ये क्या हो रहा है? धन्यवाद, तुमने मुझे पानी दिया। हाँ? तुम भी बोल सकते हो? हाँ। लड़की, तुम बहुत नेक दिल की हो और तुम्हें किसी भी चीज का लालच नहीं है। तुम्हारा दयालु आचरण देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। जाओ, वहाँ जो नदी है उसमें एक डुबकी लगाओ। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। काव्या आगे जाकर नदी में डुबकी लगाती है और जैसे ही वो बाहर आती है उसे कुछ नया सा महसूस होता है। उसका रंग रूप अब बदल गया था, वो बहुत खूबसूरत हो गई थी। ये देखिए, लेकिन ये सब कैसे? ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए। मैं ये नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा खुश रहो बेटा, मेरी एक सूखी टहनी तोड़ो। जैसे ही काव्या एक टहनी तोड़ती है, वो टहनी एक अंगूठी में बदल जाती है। तुम्हें जब भी कोई दुख हो या मन चिंता से घिर जाए तो इस अंगूठी को चूम लेना, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। वापस आते वक्त काव्या को वही जादुई हंस फिर दिखाई देता है। हंस ऊपर से लेकर नीचे तक हीरे की तरह चमक रहा था। वाह, कितने खूबसूरत हो तुम। तुम बहुत सुलझी और समझदार लड़की हो। मेरा ये पंख अपने पास रखो, तुम्हें जब भी मदद की जरूरत पड़े इस पंख को हाथ में पकड़कर मुझे याद करना। अरे तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए। मैं स्वस्थ हूँ, तुम्हारी उदारता और दया से भरा मन देखकर मैं प्रसन्न हो गया हूँ। मैं तो बस अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी। तुम जब भी किसी मुसीबत में फंस जाओ मुझे आवाज लगाना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। काव्या खुशी खुशी वापस जाती है। रास्ते में उसे वो बुजुर्ग जादूगर मिलता है। काव्या, तुम्हारे स्वभाव को देखकर उन्होंने तुम्हें ये उपहार दिए हैं, जो जीवन भर तुम्हारे काम आएंगे। अब अपने घर जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काव्या अपने घर वापस आ जाती है। काव्या, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? और कहाँ चली गई थी? और ये सब क्या है? एक बुजुर्ग जादूगर ने मुझे जंगल भेजा था। किमिया के मन में लालच आ जाता है, वो सीधे जाकर बुजुर्ग जादूगर से मिलती है। काव्या मायूस थी,
इसीलिए उसे जंगल में भेजा था। तुम्हें ऐसी कोई परेशानी नहीं है? नहीं, मैं भी जाना चाहती हूँ जंगल में। ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन याद रखना, जो भी काम करोगी पूरी ईमानदारी से करना। किमया जंगल में जाती है, बिल्कुल काव्या की तरह उसे भी हिरन मिलता है। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मैं यह वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, मुझे जल्द से जल्द और भी खूबसूरत बनना है। वो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाती है। किमया आगे जाकर हंस को जाल में फंसा हुआ देखती है, पर वो उसे अनदेखा करती है। आगे जाकर उसे सूखा हुआ जादुई पेड़ दिखाई देता है। तुम वही हो ना जिसने मेरी बहन को पानी में डुबकी लगाने के लिए कहा था? मुझे भी बताओ कहाँ है वो नदी, मैं भी खूबसूरत होना चाहती हूँ। किमया की बात सुनकर जादुई पेड़ अपने असली रूप में आता है और किमया को अपनी शाखाओं से पकड़ लेता है। खूबसूरत? हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत बनना चाहती हूँ। तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा काम किया है जो प्रशंसनीय है? तुमने कभी निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की है, किसी का दर्द दूर करने की कोशिश की है, या ऐसा कोई भला काम जिससे किसी का उद्धार हुआ हो? नहीं। लड़की, तुम गलत जगह आई हो। पहले अपने मन से नकारात्मक भाव हटा दो, अपने अपनों से मिलजुल कर रहो, दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखो, तुम अपने आप खूबसूरत बन जाओगी। किमया वहां से सीधे अपने घर लौट आती है और अपनी बहन से उसके बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान का स्वभाव उसे खूबसूरत बनाता है, ना कि उसका रंग रूप।